जनपद में मौसम इसी तरह से कुछ दिनों तक बना रहेगा, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार जो कल तक सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार सुबह व शाम के समय कोहरा रहेगा। इस समय पूरे क्षेत्र को येलो जोन में रखा गया है, इसलिए अगले एक दो दिनों तक जो अनुमान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार शीतलहर इसी प्रकार बनी रहेगी। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर कोहरा ज़्यादा रहेगा, इसलिए अपने वाहन को चलाते समय वाहन की लाइट जलाकर चलें। उन्होंने कहा कि आज का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए ठंड ज़्यादा रहेगा और बचाव के लिए गर्म पानी का सेवन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कल तक जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके अनुसार अभी ये इधर डेंस फॉग की स्थिति बताई गई है और येलो जोन में पूरे क्षेत्र को रखा गया है। तभी जो वर्तमान में भी देखा जा रहा है तो अगले एक दो दिनों तक का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार अभी शीतलहर इसी प्रकार बनी रहेगी। जो तराई बेल्ट के क्षेत्र हैं वहाँ पर फॉग ज़्यादा रहेगा, कुहासा दिन में ज़्यादा रहेगा, तो ऐसी जगहों पर जो भी गाड़ियाँ चलाएं वो अपने हेडलाइट्स को ऑन करके चलाएं। लेकिन अभी जो शीतलहर की संभावना है वो अगले एक दो दिनों तक बनी रहेगी। देखिए नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि शीतलहर अभी जो IMD की सूचना भी थी कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो न्यूनतम गया है तो ये बहुत ही ज़्यादा शीतलहर की स्थिति है, तो ऐसे में घरों से अगर आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में रहें और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, गर्म पानी पीते रहें जिससे कि ठंडक से आप सुरक्षित रह सकें। और अगले 2-4 दिनों में यह संभावना है कि शीतलहर में थोड़ी कमी आएगी।